गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है सबसे पहले ये समझ लें, ठीक है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है कि आप ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आप आज्ञा ही देते, जाने अनजाने में आप आज्ञा देते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं ना, कहते हैं भैया ये लाओ, वो लाओ, ये करो, यहाँ से जाओ, ये करो, बैठो, दो, लो, ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है ना। डायरेक्टली हम डेफिनेशन पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि हमको अपनी बातें कहने जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ऑर्डर डायरेक्ट देना है तो कैसे बोलोगे? ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आज्ञा कर दोगे तो क्या बोलोगे? देखिए कुछ नहीं करना, आप एक्शन ले लोगे डायरेक्ट, ठीक है। एक्शन के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ बोल रहे हो ना वही बोल देना है डायरेक्ट, ठीक है। जिसको हम अगर बात कहें तो काम होता है, ठीक है, या इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बोल दीजिए, बोल सकते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका हो गया ऑर्डर। केवल और केवल एक्शन लेना है, उसके बाद आप जो भी बोलना है आप डोल दो, या उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर इसे नहीं कह सकते हैं तो इसको अदर वर्ड्स कह सकते हैं, कुछ भी जोड़ दीजिए, अदर वर्ड्स। और एक्शन के बाद आप कुछ भी, यानी कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ का मतलब कुछ भी जोड़ सकते हो, याद रखिएगा। तो एक्शन ले लेना है, एक्शन कोई भी ले लो। अगर सिंपल मैं गो बोल दूं तो गो का मतलब क्या होगा? नहीं, यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस एक्शन से शुरू हो रहा है तो गो मीन्स जाना नहीं होगा, गो मीन्स जाओ, आप ऑर्डर दे रहे हो, गो मीन्स जाओ। अब कहाँ जाओ? कहीं जाओ। अब जहाँ जाओ गो टू लगा के जोड़ दो, जैसे कहना हुआ घर जाओ, क्या बोलोगे? गो टू होम। लेकिन एक चीज़ याद रखना, होम के पहले टू नहीं लगाते, गो होम बोलते हैं, घर जाओ, गो होम। लेकिन और कहीं इसको कोचिंग जाओ तो क्या बोलेंगे? गो टू कोचिंग, ठीक है। घर जाओ, कोचिंग जाओ, और कहाँ जाओ? कहीं भी जाओ, आप बोल दो, मार्केट जाओ, बाजार जाओ ना, आप किसी को कह रहे हैं भैया, ऑफिस जाओ, क्या बोलेंगे? गो टू ओ ऑफिस, ठीक है। अभी समझाते हैं सर, क्यों नहीं लगता, ठीक है। ऑफिस जाओ, ऑफिस जाओ, तो कहीं भी जाओ आप एक्शन लगाओ। जैसे लो, लेना के लिए क्या बोलते हैं? टेक। अब क्या लो? लो टेक वाटर, पानी लो। दो गिव, मुझे दो, गिव मी क्या दो? वाटर, पानी दो। मतलब अब याद, एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर हम डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं, कुछ नहीं डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं तो आप किसी को ऑर्डर देते हो। जब आप डायरेक्ट एक्शन बोलते हो तो आप किसी को ऑर्डर देते हो, जैसे जाओ गो, पढ़ो रीड, मैं कहूँगा न्यू पढ़ो, पढ़ो रीड, यही तो बोलूँगा ना, लिखो राइट, या लिखना को नोट डाउन ना, लिखो, बैठो सिट, सिट डाउन, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, मतलब ये क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं ना। सुनो लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी। पढ़ो रीड, न्यूज़पेपर पढ़ो ना, न्यूज़पेपर है, पढ़ो रीड, क्या पढ़ो? न्यूज़पेपर पढ़ो, रीड न्यूज़पेपर ना। आगे खेलो प्ले, बुलाओ कॉल, दफा हो जाओ गेट लॉस्ट, तो गेट लॉस्ट मीन्स, लॉस्ट मीन्स दफा हो जाओ। सुनो लिसन ना, खोलो ओपन, बंद करो क्लोज, ऑन करो चालू करो। अब देखिए जैसे किसी चीज़ को चालू बंद करना है तो आप चालू बंद कहाँ से करोगे उसको? स्विच से, तो हम बोलेंगे स्विच ऑन द, स्विच ऑन, अगर पंखा चालू करो स्विच ऑन द फैन, लाइट ऑन कर, लाइट चालू करो स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, फ्रिज चालू करो तो स्विच ऑन द फ्रिज, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आप इसी को ऑर्डर दो। कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर चलाओ क्या बोलेंगे? स्विच ऑन द कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर ना, ना ऑपरेट द कंप्यूटर। गाड़ी चलाओ, दो लोग जा रहे हैं कहते भैया गाड़ी चलाओ यार, राइड द बाइक, कार चलाओ ड्राइव द कार ना, फ्लाइट चलाओ
टेक ऑफ, टेक ऑफ द फ्लाइट ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग? वेरी गुड, आर यू गेटिंग? तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो ना, बोल सकते हो कि नहीं? अगर कहना हो आओ, कैसे बोलोगे? कम, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, खोलो, बंद करो, फैन ऑन करो, फैन ऑफ करो, सुनो, मेरी बात सुनो, उसकी बात सुनो, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, हिम, ठीक है ना? आगे किताब खोलो, पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, किताब पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, रीड द फिक्शन, लिखो, नोट डाउन ना होता है, बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, समझ में आ रहा है ना? खड़े हो जाओ, स्टार्ट, आ रहा है कि नहीं? तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना, ऑर्डर हो। अब थोड़ा सा तड़का लगा दो, कोई अगर मान ना रहा हो, ये तो ऑर्डर दे रहा हो डायरेक्ट, भाग जाओ, भाग जाओ, गो अभी जोड़ दो उसी में, भाग जाओ, गो अभी ना, भाग जाओ, गो अभी, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ ना, बुला लो, कॉल, कॉल आउट ना, बुला लो ना, फोन कर दो, मेक कॉल, मेक कॉल या कॉल, सिंपल बोलो कॉल, ठीक है? पढ़ो, अब कोई दिक्कत ना, लिखो, बुलाओ, सस्पेंड कर दो, सस्पेंड ना, सस्पेंड, आगे एडमिट कर लो, एडमिट, गलती करो, कमिट मिस्टेक, कोई सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर आप किसी को डायरेक्टली ऑर्डर देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू जस्ट ऑर्डर डायरेक्टली, यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज़ ओनली ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, इफ़ यू आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन मीन्स यू आर गिविंग ऑर्डर डायरेक्टली, यू ऑर्डर समवन, हाँ, सिट, बैठो, स्टैंड, खड़े हो, दो दीजिए, पानी दीजिए, गिव, गिव मुझे दीजिए, गिव मी, पानी दीजिए, गिव मी वाटर, किताब दीजिए, अपनी किताब दीजिए, गिव मी योर बुक, अपनी किताब दीजिए, अपनी पेंसिल दीजिए, अपना नोट्स दीजिए, अपना बॉटल दीजिए, अपना बैग दीजिए, 1,000 रुपये दीजिए, 1,000 रुपये उधार दे दीजिए, बोरो मी 1,000, उधार देना का मतलब ना, उधार लेना, बारो, बारो मी 1,000, उधार लेना, लेंड, लेंड, बारो माने लेंड मीन्स उधार देना ना, समझ में आ गया? खेलो, मैच खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, बजाओ, प्ले, बजाओ मतलब प्ले, गिटार बजाओ, फ्लूट बजाओ, बांसुरी बजाओ, तबला बजाओ, प्ले तबला, पियानो बजाओ, प्ले पियानो, हारमोनियम बजाओ, प्ले हारमोनियम, आर यू गेटिंग? अब देखा भैया, डायरेक्ट ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन सबको डायरेक्ट ऑर्डर देने में अच्छा नहीं लगता, कभी कभी क्या होता है कि आप गुस्सा हो जाते हो ना, अगर आपको ये लगता है हम त्रिपाठी सर को या आयान को डायरेक्टली हम ऑर्डर दे देते हैं तो उनको बुरा लग जाएगा, तो बुरा से बचने के लिए हम डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते, उसके पहले कुछ नमक मसाला तड़का दे देते हैं कि तड़का लगा दे ताकि जब हम इसको बोलें तो उसको थोड़ा तीखा मीठा खट्टा मीठा रखे ना, दाल चावल के साथ अगर थोड़ी सी चटनी ना हो मज़ा नहीं आता, तो आप डायरेक्टली दाल चावल खा रहोगे तो रूखा सूखा लगेगा, लेकिन चटनी रहेगा या सलाद रहेगा कुछ तो मज़ा आता है, तो इसके पहले थोड़ा सा सलाद दे दो ताकि अगले को गुस्सा ना लगे ना, डायरेक्ट अगर ना बोलना चाहते हो, इनडायरेक्ट बोलना चाहते हो तो आपको हमको क्या करना है, तब हमको थोड़ा सा उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं, तो पता क्या होगा, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इसमें दो वर्ड जोड़ेंगे,
या तो प्लीज जोड़ देंगे या तो एक वर्ड और के आई एन डी एल वाई काइंडली। अब आपको इसके बाद करना क्या है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर वही पुराना अदर वर्ड्स लिख देना, अदर वर्ड्स, ठीक है। अब मैं कहूँ बजाओ, बजाओ के लिए क्या होती है प्ले, अब क्या बजाओ एफ एल यू टी ई फ्लूट। अब मैं कहूँ फ्लूट बजाओ, अब आप इतने बड़े तानसेन हो गए हो, अब मैं आपको डायरेक्टली कहूँगा ए फ्लूट बजाओ, प्ले द प्ले प्ले फ्लूट, आपको बुरा लग सकता है ना, जब बुरा लग सकता है चटनी दे दो, लो खाओ चटनी, चटनी लगाने क्या बोलेंगे, प्लीज प्ले गिट फ्लूट ना, या काइंडली प्ले फ्लूट, क्या बोलोगे या काइंडली प्ले फ्लूट ना, हे यहाँ कम हेयर, कम हेयर, अब कहोगे ए इधर आओ, डांट रहा है ये, हम जब नहीं करेंगे जाओ, तब उसको थोड़ा सा तड़का वड़का मसाला वसाला दे देना चाहिए, काइंडली कम हेयर, प्लीज कम हेयर, काइंडली कम हेयर, तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना, जब तड़का लग जाता है टेस्ट ही आ जाता है, तो अपने शब्दों में टेस्ट लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लीज़ और काइंडली, इससे क्या होगा उसको सोचेगा कि नहीं चलो प्यार से बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चले जाएगा, चले जाएगा ना, समझ में आया नहीं समझे, चलिए कहने हुआ बैठो। अब अगर डायरेक्ट कहोगे सिट, उसका मतलब है बैठ, सिट बैठ, सिट सिट, लेकिन कहोगे बैठ जाओ प्लीज सिट, बैठ जाओ काइंडली सिट ना, प्लीज सिट काइंडली सिट, ये सारी चीज़ें आप ऐसे बोल सकते हो, बैठ जाओ प्लीज सिट, काइंडली बैठ जाओ, काइंडली सिट ना, काइंडली सिट हियर। तो जब आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, मान लीजिए आपको मुझसे मारकर मांगना है तो क्या कहोगे सर, लेकिन प्लीज ना और कुछ यूज करो, काइंडली गिव मी मार्कर ना, सीट मांगना हुआ तो कैसे मांगोगे, काइंडली गिव मी सीट ना, पानी मांगना हुआ तो कैसे मांगोगे, ठीक है। आगे फोन चलाना हुआ तो कहोगे भैया फोन वहाँ चला लो, फोन चलाओ, यूज फोन, काइंडली यूज फोन ना, कंप्यूटर चलाओ, ऑपरेट कंप्यूटर, काइंडली काइंडली ऑपरेट कंप्यूटर, पढ़ने से पढ़ो, बच्चों कहते हो ना आपके घर छोटा सा बच्चा होता है पढ़ लो, रीड हाँ, तो काइंडली रीड ना, काइंडली स्टडी, काइंडली लगा दो, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, काइंडली लगाओ रिक्वेस्ट, काइंडली या प्लीज़ लगाओ, कोई दिक्कत, कृपया जाओ। जब आप कभी 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 कोई इतना हिकना होता है, जैसे हम त्रिपाठी सर को कहें जाओ, सर जी जाइए, नहीं जा रहे हैं, जाइए नहीं जा रहे हैं, यार भैया चला जा, मतलब चले जाइए, अब इसमें करते क्या है, आप चले जाते हैं, अब थोड़ी बात गो सर, गो नाउ, टाइम इज अप, प्लीज गो, गो गो, काइंडली गो सर, काइंडली गो, काइंडली गो मीन्स कृपया चले जाइए, ठीक है, प्लीज गो, चले जाइए, समझ गए, कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है, हाँ जहाँ मज़ा है वहीं सजा है, तो मज़ा ले लो अभी, सजा बाद में दे देंगे, नहीं सुना पाओगे तब, ठीक है, ये हो गया, हाँ आगे ये हुआ, प्लीज़ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म वर्ड काइंडली लगा दो म्यूट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्या है, अब ये तो रहा ऑर्डर हो गया, प्लीज हो गया, एक कमांड होता है, पता है कमांड मतलब जब एक व्यक्ति किसी कई सारे हजार व्यक्ति को कोई डायरेक्शन देता है एक साथ खड़े, उसे कमांड कहते हैं, बोरो बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, बोरो 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 बोरो, डिप डुबो उसे बोलते हैं, डिप उधार लेना, हाँ लेंड एल ई एन डी लैंड, समझ में आ गया, कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़े। ये तो हो गया आपका किसी से ऑर्डर, या आप देखिए इसी को एक तरह से और कह सकते हैं, इसको दूसरे तरह से कैसे कह सकते हैं, इसी को दूसरे तरह से ये कह सकते हैं। अब एक देखिए इसमें ऑर्डर किसको देते हो, हाँ सामने वाले पर्सन को, यू को, अब दूसरे तरीक़ों से यू ले लो, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर के बाद अगर ऑर्डर दे रहे हो तो ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर्ड, टू लगा दो प्लस एक्शन जो बोल रहा है वही लिख दो फर्स्ट फॉर्म,
जाओ, कैसे बोलोगे? गो। मैं कहूँ यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर, कैसे बोलोगे? गो फ्रॉम हियर। लेकिन इसी को दूसरी तरह से, यू आर ऑर्डर टू, कैसे बोलोगे? नहीं, यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर, यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर। बैठो, कैसे बोलोगे? यू आर ऑर्डर टू सिट। हाँ, यूज योर फोन, यू आर ऑर्डर टू यूज, अपना फोन चलाओ। नहीं मान रहे हो, तब कहो यू आर ऑर्डर टू यूज फोन, यूज योर फोन, मतलब आपको फोन चलाने की आज्ञा दी जाती है। इसमें आप अपना फोन चलाओ, यूज योर फोन ना। हाँ, यू आर ऑर्डर टू टीच, आपको पढ़ाने की आज्ञा दी जाती है। यू आर ऑर्डर टू सिट, आपको बैठने की आज्ञा दी जाती है। नहीं होता है कि नहीं? यू आर ऑर्डर टू सिट। अगर यही नेगेटिव होता तो क्या बोलोगे? जैसे आपको अंग्रेजी बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती है, हिंदी बोलने की आज्ञा नहीं, यू आर नॉट ऑर्डर टू, यू आर नॉट ऑर्डर टू स्पीक इन हिंदी, यू आर ऑर्डर टू स्पीक इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे? जैसे मैं कहूँ खेलो, प्ले, बजाओ, प्ले। हाँ, मैं एक्टिव बोलूँगा। देखिए, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, ठीक है? सिट, सिट हियर, सिट हियर, गिव मी 50 रुपी। तेज बोलिए। हाँ, गिव, गिव मी, मी ही रहेगा। गिव मी 50 रुपी, फिर से बोलिए। गिव मी फी, यू आर ऑर्डर टू गिव मी फीस, फिर से बोलिए। यू आर ऑर्डर टू गिव मी फीस, पे योर फीस, यू आर ऑर्डर ऑर्डर टू पे योर फीस, डायरेक्ट ऑर्डर देंगे फीस पे के लिए। अब यही कुछ नहीं करना है, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज लीज लगा है, तो प्लीज को हटा के क्या बोल देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, दोनों हटा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस जो बोल रहा है। अब यहाँ पर जब रिक्वेस्टेड लगा देंगे तो काइंडली प्लीज खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है? प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे ना। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, प्लीज कम हियर ना, प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम हियर, प्लीज सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सिट हियर, प्लीज नोट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज नोट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन, प्लीज हट जाएगा, प्लीज काइंडली नहीं रहेगा। ये देखो हम क्रॉस लगाए सर, प्लीज और काइंडली दोनों रहे, नहीं रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन, नोट डाउन ना। आगे अगला, रीड, रीड, भाई मारेंगे तुम लोग को, मैंने केवल कहा रीड, यू आर ऑर्डर टू रीड, मैंने कहा रीड, यू आर ऑर्डर टू रीड, जब मैंने कहा प्लीज रीड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड, मतलब सेंस नहीं चल रहा आप लोगों का। नोट डाउन, फिर से बोलिए, प्लीज नोट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन, स्पीक इन इंग्लिश, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज इन इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज ये हटाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, 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 गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, प्लीज गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। जब आप रिक्वेस्टेड लगा दिए तो प्लीज लगाने की क्या जरूरत है सर? जब आप रिक्वेस्टेड लगा दिए तो प्लीज लगाने की क्या जरूरत है ना? कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। समझ में आ गया ना? और कोई समस्या? ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद अगला वीडियो हम आगे बताएंगे, ठीक है? चलिए, ऑफ कर दीजिए।